नमस्कार, मनी ग्रो इंश्योरेंस स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी अरुण वर्मा। इंश्योरेंस के बारे में तो हम हमेशा बात करते हैं, लेकिन इस बार एक दूसरे पहलू पर बात करेंगे। हाल में हैदराबाद के एक डॉक्टर ने 15 साल के लिए एक टर्म प्लान खरीदा है। इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर साहब की जो उम्र है वो है 60 साल। मौजूदा लाइफस्टाइल में सीनियर सिटीजन पर फाइनेंशियल जिम्मेदारियां तेजी से बढ़ रही हैं, जिसके चलते 50 साल से ज्यादा के लोगों में टर्म प्लान लेने वालों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। उम्र के इस पड़ाव पर टर्म प्लान खरीदना कितना सही है, इसे जानने के लिए हमारे साथ है policybazaar.com की लाइफ इंश्योरेंस हेड मिस संतोष अग्रवाल। संतोष, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जहां तक बात है 50+ एज की, संभव ये एक ऐसा पड़ाव माना जाता है कि अब रिटायरमेंट में महज 10 साल बाकी हैं, और ऐसी एज में एक टर्म प्लान लेना, यानी कि जो आमतौर पर वर्किंग लाइफ को दर्शाता है कि जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक आप लाइफ अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करने की सोचते हैं। ट्रेंड कितना चेंज हुआ है, और ये जो एग्जांपल हमने यहाँ पर दिया इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, टर्म प्लान जब तक आई थिंक उम्र से रिलेटेड नहीं है, जब तक आप एक अर्निंग इंडिविजुअल हैं और आपके ऊपर डिपेंडेंस हैं, आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो, तब तक टर्म प्लान आपके पास होना चाहिए। तो चाहे वो 50 इयर्स के बाद हो, 50 इयर्स के बाद अगर आप अर्निंग इंडिविजुअल है, आपकी फैमिली है जिसकी अर्निंग पे आपकी फैमिली डिपेंडेंट है, तो टर्म प्लान होना आपके लिए ज़रूरी है। हमने अपने सेल्स डेटा में भी ये देखा है दैट टर्म प्लान लेने वाले लोग जो 50 से ऊपर जो लोग हैं, उन लोगों ने जो टर्म प्लान खरीदा था एक साल पहले वो लगभग 1-1.5% थे, जबकि इस साल 2016 में हमने देखा कि कम लगभग 3 गुना ज्यादा लोग बढ़ गए हैं, जो 50 साल की उम्र से ज्यादा वाले लोग हैं जो टर्म प्लान खरीद रहे हैं। तो क्लियरली ये इंडिकेशन है दैट 50 इयर्स के बाद भी लोग पीपल आर थिंकिंग इट्स इम्पॉर्टेंट टू बाय अ टर्म इंश्योरेंस फॉर देम। राइट, यानी आपने कुछ आंकड़े भी यहाँ पे दिए कि जहाँ 1% लोग खरीदते थे, अब शायद 3% लोग हैं जो इस एज ग्रुप के अंदर हैं लेकिन टर्म प्लान ले रहे हैं। कुछ और आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहूँगी संतोष। WHO की एक रिपोर्ट है, हालांकि ये 2016 की रिपोर्ट है, इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो इंडिया में है उसमें कुछ आंकड़े दिए गए थे कि इसमें एक माइनर चेंज, एक माइनर इजाफा देखने को मिला है, और फिलहाल जो एक एवरेज एज है इंडियन मेल की वो करीब करीब 66.9 ईयर्स है, जबकि जो एक इंडियन फीमेल की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज है वो 69.9 यानी क्लोज टू 70 इयर्स। अगर इस रिपोर्ट को भी देखें या फिर ओवरऑल, जैसे आपने कहा कि अभी क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जो 60 प्लस के बाद भी जॉब में या फिर कह सकते हैं अपना खुद का कुछ काम कर रहे हैं, तो वो सैलरी के अंदर ना भी आए लेकिन स्टिल दे आर वर्किंग, और उनकी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं और फैमिली को लेकर जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो अभी भी काफी ज्यादा है, जिसके चलते टर्म प्लान लेना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ जो ट्रेंड आपने कहा, और इसके अलावा लाइफस्टाइल में जो चेंजेस आए हैं, यानी कि शायद 15 साल पहले हम इस डिबेट का कोई शायद मतलब ना होता, लेकिन अभी जैसे लेट मैरिजेस का होना, फिर फैमिली लेट एक्सपैंड होती है, जिसके चलते आप अपनी 50 या से 60 इयर्स में भी आपके बच्चे हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है कि आप पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो, इसलिए इम्पोर्टेंस काफ़ी बड़ी है टर्म प्लान की, लेकिन इसकी अवेयरनेस कितनी बढ़ रही है? देखिए, टर्म प्लान की अवेयरनेस ओवरऑल कम है, तो नॉट जस्ट 50 इयर्स एंड अबव, मैं कहूँगी ओवरऑल टर्म इंश्योरेंस की जो हमारी देश में अवेयरनेस है वो काफ़ी कम है। आज भी काफ़ी लोग इंश्योरेंस के नाम पे इंडाउमेंट या मनी बैक प्लान्स खरीदते हैं, जबकि सही मायने में इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस प्लान होता है। तो ये एज स्पेसिफिक नहीं है, ये ओवरऑल अवेयरनेस की बात है। तो बहुत कम लोग आज इंडिया में अभी भी टर्म प्लान अपने आप के लिए कंसिडर करते हैं, जबकि अगर आप देखेंगे तो एक बहुत मामूली कीमत में, बहुत कम प्राइस पे एक अच्छा कवर आप अपने आप के लिए ले सकते हैं। चाहे आप अगर आप 30 इयर्स की एज पे हैं, आप 1 करोड़ का कवर लगभग 9-10 हज़ार में मिल जाता है। अगर आप 55 साल के हैं, आपको 1 करोड़ का कवर लगभग 40 हज़ार के आसपास में मिल जाएगा। तो काफी कम प्राइस में आपको एक अच्छा कवर अपने आप के लिए आप ले सकते हो। राइट, अवेयरनेस मैं कहूंगी कि बहुत लिमिटेड है अभी भी इस बारे में।
लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि जब बात टर्म प्लान की होती है, ये किसी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक रिस्क कवर है जिससे आप अपनी फैमिली को किसी भी अनहोनी से या कह सकते हैं फाइनेंशियली आप सिक्योर कर सकते हैं इमरजेंसी की सिचुएशन में। जहां तक बात है ऑप्शंस की, अभी संतोष कितनी ऐसी कंपनीज हैं जो इस तरह के प्लान्स दे रही हैं? क्योंकि शायद सबसे पहले अगर देखा जाए तो ईगॉन की तरफ से ऐसे कुछ प्लान्स लॉन्च हुए थे, ईगॉन लाइफ की तरफ से, जिसमें 60+ के लोगों के लिए एक कवर की सुविधा थी, और उसके बाद धीरे धीरे कई और कंपनीज के प्लान्स आए हैं। अभी जो प्लान्स अवेलेबल हैं, क्या उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं या फिर लिमिटेड हैं, और कितना कवर यानी किस एज तक उसमें कवर मिलेगा? देखिए, ये कुछ टाइम पहले तक की 5-7 साल पहले की बात है, जबकि ऑफलाइन टर्म प्लान्स मार्केट में अवेलेबल थे और ऑनलाइन नहीं थे। उस टाइम पे 55-60 साल तक कहीं कवर मिलता था आपको। एगॉन ने एक ऑनलाइन टर्म प्लान लॉन्च किया था और उसके बाद सारी कंपनीज, ऑलमोस्ट सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के पास एक टर्म लाइफ ऑनलाइन प्लान है जिसमें कवरेज काफ़ी अच्छा, लगभग आप 80-85 ईयर्स तक का कवरेज ले सकती हैं। तो आपको चॉइसेस की अगर आप बात करेंगे, कम से कम 17-18 प्लान्स, ऑनलाइन प्लान्स होंगे आपके पास जिससे आप एक चूज कर सकते हो कि अच्छा प्लान अपने आपके लिए। और कुछ ऐसी कंपनीज है जैसे एगॉन लाइफ, भारतीय एक्सा लाइफ, जो कि अगर आप 18 साल के हैं या 20 साल के हैं तो भी आप अपना कवरेज 80 या 85 इयर्स तक का ले सकते हो। जहां तक अगर आप बात करोगे बड़ी कंपनीज की, जो आज प्रोटेक्शन को बहुत सीरियसली ले रही हैं और टर्म इंश्योरेंस को प्रमोट कर रही हैं, वो प्लान्स है, आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का प्लान ले लीजिए, आप एचडीएफसी लाइफ का प्लान ले लीजिए, वो भी आपको काफी अच्छा कवरेज, अप टू 75 इयर्स का कवरेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चॉइसेस बहुत हैं आपके पास, और बहुत आप अलग अलग फीचर्स के साथ भी टर्म प्लान अवेलेबल हैं, राइडर्स के साथ अवेलेबल हैं, तो आपको अच्छा कवर, अच्छे राइडर्स और एक अच्छा प्राइस में ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। राइट, तो इंडिविजुअल पर तो डिपेंड करेगा कि आपकी क्या प्रोफाइल है, आप किस फील्ड में हैं, आप कितने साल तक जॉब करने वाले हैं, लेकिन अदरवाइज ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं और कुछ ऑप्शंस स्क्रीन पर भी हैं। ईगॉन लाइफ का प्लान है, कंसिडर कर सकते हैं अगर आप, आपकी एज 50+ है और आप सोच रहे हैं टर्म प्लान लेने की, तो ऑप्शंस आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे। साथ ही साथ पीएनबी मेट लाइफ मेरा टर्म प्लान, ये इस नाम से एक प्लान अवेलेबल है मार्केट में। साथ ही भारतीय एक्सा का फ्लेक्सी टर्म, इसमें 85 इयर्स तक का कवरेज है, यानी कि एक प्लस पॉइंट। ईगॉन की तरफ से भी जो प्लान सबसे पहले जो लॉन्च हुआ वो 80 इयर्स तक की कवरेज आपको देता है। आईसीआईसीआई प्रू में भी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, साथ ही एचडीएफसी के भी कुछ प्लान अवेलेबल हैं, आप कंसिडर कर सकते हैं। क्लिक टू प्रोडक्ट मैक्स का भी एक ऑनलाइन टर्म प्लान, ओटीपी के नाम से, इसके काफी एड्स भी काफी पॉपुलर फिलहाल हो रहे हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर ज्यादा एज है तो भी घबराने की इसमें जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात टर्म प्लान के संदर्भ में, जैसा संतोष ने भी कहा कि ये एक रिस्क कवर है, तो अगर आप फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहते हैं और बजट को लेकर कोई कंस्ट्रेंट नहीं, हालांकि जैसा कि खुद संतोष आपने कहा कि ऑनलाइन में न सिर्फ कन्वीनियंस है बल्कि इकोनॉमिकल भी होता है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली आपकी प्रायोरिटी है, लेकिन अगर सारी चीज़ों को कंसिडर करें तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। लेकिन जहां तक बात है कवरेज की, अगर हम लोअर साइड पे यानी 30 इयर्स के नियर अबाउट हम खरीदते हैं, तो जैसे कहते हैं कि 15-20 times हम ले सकते हैं, तो क्या 50+ की एज में भी सेम थंब रूल लागू होगा संतोष? मैं कहूंगी अगर 50 इयर्स प्लस की एज है तो आपको 10 टाइम्स अपना कवर लेना सही रहेगा। और आपको 10 टाइम्स एक थंब रूल है, ये आपके प्रोफाइल पे भी डिपेंड करेगा। तो अगर आपकी इनकम कितनी है और आपकी लायबिलिटीज कितनी है, लायबिलिटीज में ज्यादा करके होम लोन ही एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, आपको उसको नजर में रख के आपको एक टर्म प्लान लेना चाहिए। तो थंब रूल है 10 टाइम्स, यंगर एजेस के लिए 15 or 20 times होता है, 50 साल के ऊपर मैं 10 times कहूंगी। तो यानी जो बेसिक थंब रूल है, जो आप किसी भी एज में टर्म प्लान लेने जाएंगे वही यहाँ पर लागू होगा। आप अपनी एज से आप 10 times भी आप टर्म प्लान का कवर सिलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ तक बात है अगर 1 crore, जो कि आमतौर पर काफ़ी लोग 1 crore तक का कवर लेते हैं, 1 crore साथ ही 50 lakhs, दो ऑप्शन संतोष मैं आपसे जानना चाहूँगी, अप्रॉक्सीमेटली कितना प्रीमियम रहेगा इस एज ग्रुप के लिए? लगभग जो प्रीमियम रहेगा, आप अगर 55 साल की उम्र लेते हो और अगर 15 साल का टर्म लेते हो आप, तो लगभग आपको रेंज जो है 37,000 टू
45,000 40,000 के आसपास का प्रीमियम होगा एक करोड़ कवर के लिए. और अगर आप आधा कवर ले रहे हो, 50,00,000 का कवर ले रहे हो, तो उसी एज के लिए लगभग 20,000 का आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा. राइट, तो आपके सामने ऑप्शंस भी हैं, आई प्रोटेक्ट स्मार्ट जो कि ICICI लाइफ का प्लान है, इसके अलावा क्लिक टू प्रोटेक्ट जो HDFC की तरफ से एक प्लान अवेलेबल है, मैक्स के भी प्लान्स हैं. आप कंपेयर जरूर कर सकते हैं ऑनलाइन, कई सारी वेबसाइट्स हैं, ऑप्शंस एग्रीगेटर्स हैं जहां पर आप कंपैरिजन कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा टर्म प्लान बेहतर है. लेकिन जहां तक बात हम एम्फसाइज कर रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस की और बदलते हुए ट्रेंड की, एक पॉजिटिव लगता है कि शायद लोगों में अवेयरनेस लेवल्स बढ़ेंगे, क्योंकि जो WHO की रिपोर्ट है वो ये मानती है कि 2050 तक जो सीनियर सिटीजन्स की जो एज है उसमें 200% से ज़्यादा का इजाफा हो सकता है. तो अगर अवेयरनेस लेवल्स बढ़े तो डेफिनेटली पेनिट्रेशन भी बढ़ेगा. लेकिन अभी भी देखा जाए तो कह सकते हैं Tier 2 या Tier 3 सिटीज़ में शायद उतनी अवेयरनेस ना हो टर्म प्लान्स के संदर्भ में. लेकिन फिर भी आउटलुक आप क्या मानते हैं संतोष, ये जो आंकड़े मैंने WHO की रिपोर्ट से रखे हैं आपके सामने, वुड यू अग्री विद देम? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, आई थिंक हमें अगर आप लास्ट 20 इयर्स में ही अगर देखें तो 1995 में जो एक्सपेक्टेंसी थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो लगभग 58 इयर्स की थी. अब जो 2015 की जो रिपोर्ट है उसके आई थिंक द नंबर द डेटा दैट इट सेज इज 68, जो एवरेज है वो 68 है. तो जैसे हेल्थ केयर इम्प्रूवमेंट हो रहा है कंट्री में, वैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बिल्कुल बढ़ेगी. और दूसरी चीज़ ये है जो हमें देखनी चाहिए दैट लोग आजकल जो फॉर्मल रिटायरमेंट एज है, जो 60 इयर्स फॉर्मल रिटायरमेंट एज मानी जाती है, उसके बाद भी काफ़ी लोग जो सैलरीड लोग हैं वो भी अपना खुद का कुछ स्टार्ट करते हैं या खुद कोई इनकम जनरेशन का आप सोर्स ज़रूर देखते हैं. लोग घर पे नहीं बैठना चाहते, तो उन इसके दो रीजंस हो सकते हैं कि वो एक लाइफस्टाइल है जो वो मेंटेन करना चाहते हो, या फिर ये हो सकता है बिकॉज आज मैरिजेस लेट हो रही हैं, चिल्ड्रन आर बॉर्न लेट, तो हो सकता है उनकी डिपेंडेंसी भी हो, तो ज़रूरत भी हो सकती है और एक लाइफस्टाइल मेंटेन करने की ज़रूरत हो सकती है. तो इसलिए आप देखेंगे दैट 60 ईयर्स की फॉर्मल रिटायरमेंट के बाद भी काफ़ी लोग जो हैं आज भी काम कुछ जॉब या कुछ वर्क खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करते हैं. तो एक तो लाइफस्टाइल जिस तरह से चेंज हो रहा है, तेजी से इसमें बदलाव आ रहे हैं, रिटायरमेंट की एज में भी चेंज आएगा, ये हम सभी मानते हैं, एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं.